गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आ चुका हूँ रोहित ऑटोमोबाइल महिंद्रा शोरूम मौलाबाग आरा बिहार। और मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं सौरभ ऑटो वर्ल्ड। तो आई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज गाइस मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ लाखों करोड़ों दिलों पे राज करने वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। अब गाड़ी के एक बार लुक देखो, जब से देखा हूँ दिल आ गया, सही बोल रहा हूँ। एंड आज इसका हम करने वाले हैं फुल डिटेल रिव्यू। एंड उससे पहले चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टा और फेसबुक पेज भी फॉलो कर लीजिए। और सबसे पहले हम बात करते हैं जो आप सामने गाड़ी देख रहे हैं स्कॉर्पियो एन, इसमें कौन कौन सा वेरिएंट आता है। तो सबसे पहले आता है Z2, Z4, Z6, ZL और अभी जो आप सामने देख रहे हैं वो है Z8L और ये टॉप वेरिएंट है। और कलर का बात करें तो इसमें 7 कलर आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी जो आप सामने कलर देख रहे हैं वो है डीप फॉरेस्ट कलर। कलर का भाई साहब जवाब नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अपने तरफ ये कलर अट्रैक्ट कर रहा है। और आज है हमारे पास ऑटोमेटिक डीजल इंजन, इसमें आपको 2-व्हील ड्राइव एंड 4-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी आता है। तो आज है हमारे पास 2-व्हील ड्राइव एंड आज इसका हम करेंगे फुल डिटेल रिव्यू। और सबसे पहले हम फिर से बात करते हैं एक बार गाड़ी का, आप एक बार लुक देखो कितना ज़्यादा इन्हेंस एंड बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है देखने में। और कलर ही बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है जो कि अपने तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और सबसे पहले हम बात करते हैं अब गाड़ी का, ये ग्रिल वगैरह देखो, हेडलैम्प देखो एंड गाड़ी का एक बार आप हाइट देखो, मतलब पहाड़ों जैसी हाइट वाली ये गाड़ी दिख रही है। मतलब बहुत ही ज़्यादा हाइट है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा। आप इसे मतलब ख़राब रोड कहीं पे भी आप अच्छे से इसको ड्राइव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मतलब दिल पे आ गई यार सही में। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाता है, चूँकि ये नए वाला लोगो आप देख रहे हैं। और लोगो के नीचे आपको फ्रंट में कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, जो कि ये प्लस पॉइंट है, टॉप वेरियंट है, तो जाहिर सी बात है कैमरा तो रहेगा ही। और आपको क्रोम फिनिश में ग्रिल देखने को मिल जाता है एंड आपको लोअर ग्रिल भी ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाएगा और बम्फर भी ब्लैक आपको देखने को मिल जाएगा। और अब बात करते हैं हेडलैम्प का। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है विथ LED हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। और ये है लो बीम और ये है हाई बीम, LED इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। और उससे हम जैसे ही नीचे आते हैं यहाँ पे आपको LED फॉग लैम्प देखने को मिल जाता है विथ DRL के साथ। और यहाँ पे एक सेंसर आपको देखने को मिल जाता है फ्रंट में, मतलब कि 2 सेंसर आपको देखने को मिलेगा जो कि फॉग लैम्प के पास है। और 2 वाइपर देखने को मिल जाएगा। आप देखो कितना ज़्यादा हाइट लग रहा है गाड़ी का, लग रहा है कि बिल्कुल सामने पहाड़ खड़ा है। तो कुछ इस प्रकार दिखता है हमारा फ्रंट प्रोफाइल। और अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल से। तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा साइड प्रोफाइल। और सबसे पहले बात करेंगे इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस का। अगर ग्राउंड क्लियरेंस का बात करें तो आपको 187 mm ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। अगर लेंथ का बात करें तो 4662 mm आपको इस गाड़ी का लेंथ देखने को मिल जाता है। अगर हाइट का बात करें तो 1857 mm आपको इस गाड़ी का हाइट देखने को मिल जाता है। अगर बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी का, तो यहाँ पे आपको 57 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश देखने को मिल जाता है, यहाँ से फ्रंट तक आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि लुक को और ही ज़्यादा इन्हेंस बनाता है। और हमारा सी पिलर भी आपको ब्लैक देखने को मिल जाएगा और बी पिलर भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाएगा। और आपको बॉडी कलर में ही डोर हैंडल देखने को मिल जाएगा विथ क्रोम फिनिश के साथ। और रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि गाड़ी की हाइट बहुत ही ज़्यादा है तो आप इस पे पैर रख के आराम से गाड़ी के अंदर आप जा सकते हो। और फ्रंट डोर में आपको बॉडी कलर में ही डोर हैंडल देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है विथ क्रोम फिनिश के साथ। और अब बात करते हैं ORBM का। तो देखिए बॉडी कलर में ही आपको ORBM देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी देखने में बहुत ही ज़्यादा बड़ा एंड हैवी लग रहा है। तो आपको इलेक्ट्रिक ऑटो फोल्डेबल ORBM देखने को मिल जाता है विथ LED इंडिकेटर के साथ। अब बात करते हैं टायर साइज़ का। तो यहाँ पे आपको 18 इंच का अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। और फ्रंट में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। अगर टायर साइज़ का बात करें तो 255x60 टायर साइज आपको देखने को मिल जाएगा। और अब बात करते हैं रियर प्रोफाइल से। तो कुछ इस प्रकार दिखता है हमारा रियर प्रोफाइल। और सबसे पहले हम बात करेंगे टेल लैम्प का। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक टेल लैम्प देखने को मिल जाता है। और ये LED में आपको टेल लैम्प देखने को मिलेगा। और देखिए ये लाइट जल रहा है तो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में। और यहाँ पे आपको डिफॉगर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है और वाइपर भी देखने को आपको मिलता है। और उससे जैसे हम नीचे आएंगे यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाएगा, लोगो के नीचे आपको पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाता है। और यहाँ से हम बूट को ओपन कर सकते हैं, ये डोर हैंडल दिया हुआ है
क्रोम फिनिश के साथ विथ रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। पीछे में आपको चार सेंसर देखने को मिल जाता है और ये क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और अब बूट को ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ से हम बूट को ओपन कर सकते हैं। देखिए काफ़ी हेवी लग रहा है ये गेट, तो ऐसा दिखता है थर्ड रो से फ्रंट प्रोफाइल तक आप देख सकते हैं। ये 7 सीटर गाड़ी है, तो स्पेस का तो कहना ही नहीं है। ऐसा दिखता है हमारा बूट का स्पेस, मतलब कि थोड़ा बहुत स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपका सामान ज़्यादा है तो यहाँ से आप सीट को डाउन कर सकते हैं। अब जैसे ही इसको खींचोगे ये सीट को, ये सीट डाउन हो जाएगा देखिए। और इसे आप ऊपर भी कर सकते हैं यहाँ से देखिए, और यहाँ से आप इसको ऊपर भी ऐसे कर सकते हैं। अगर सामान वगैरह ज़्यादा है तो आप इसे ऐसे ही करके अपना जो भी ट्रॉली वगैरह आप अच्छे से रख सकते हैं। तो सीट को हम डाउन कर लेते हैं, तो हमारा बूट स्पेस 460 लीटर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि स्पेस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। आप सीट को ऊपर भी कर सकते हैं। बात करते हैं थर्ड रो में, मतलब कि क्या सीट का स्पेस है, ये सब सारा कुछ। तो चलते हैं अब थर्ड रो में, तो हम यहाँ से जा सकते हैं थर्ड रो में। डोर को ओपन करते हैं, तो जैसे ही हम डोर को ओपन करते हैं यहाँ से हम सिर्फ इसको दबाएँगे तो हमारा देखिएगा सीट ये ऑटोमेटिक ये खुल जाएगा। देखिए तो ऐसे हमारा सीट खुल जाता है। और फुटरेस्ट दिया है क्योंकि हाइट बहुत ही ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप पैर रख के आराम से थर्ड रो में जा सकते हैं। देखिए तो मैं आ गया थर्ड रो में। देखिए लेग रूम का स्पेस, देखिए स्पेस अच्छा है, आप सीट को एडजस्ट भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सामान रखने का स्पेस देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे स्पीकर देखने को मिल जाता है, फिक्स डोर हैंडल देखने को मिल जाता है, एक LED लाइट आपको देखने को मिल जाएगा, और इस साइड भी आपको LED लाइट देखने को मिल जाता है, फिक्स डोर हैंडल देखने को मिल जाता है, स्पीकर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और इस साइड भी आपको हाथ रखने का स्पेस मिल जाता है। और लेग रूम का स्पेस भी अच्छा है। और सीट का बात करें तो सीट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, प्योर लेदर में आपको देखने को मिल जाता है। तो देखिए कितना ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी है सीट का, मतलब फुल्ली लेदर, और हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाता है। और अब बात करते हैं सेकेंड रो का, और मैं आ गया सेकेंड रो में। अब लेग रूम का स्पेस देखो, बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, सेकेंड रो में स्पेस बहुत ही ज़्यादा मिल जाता है। और यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश में डोर हैंडल देखने को मिल जाता है, और पावर विंडोज़ का कंट्रोल देखने को मिल जाता है, और ये प्योर लेदर फिनिश में आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको AC के वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ से आप AC को देखिए कंट्रोल भी कर सकते हैं। Type-C चार्जिंग सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर भी एक LED लाइट देखने को मिल जाता है, और इस साइड भी आपको एक ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है। और अब बात करते हैं हेड स्पेस का, तो देखिए ऐसा दिखता है हमारा हेड का स्पेस। देखिए बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, स्पेस में तो कहना ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अभी चलते हैं ड्राइवर साइड, और इंटीरियर वगैरह सारा कुछ मैं आप सबको दिखाता हूँ। तो अब बात करते हैं इंटीरियर का, तो आपको ड्राइवर साइड भी बॉडी कलर में डोर हैंडल देखने को मिल जाएगा, रिक्वेस्ट सेंसर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, क्रोम फिनिश आपको देखने को मिल जाएगा। डोर को ओपन करते हैं, तो जैसे हम डोर को ओपन करते हैं कुछ इस प्रकार दिखता है हमारा स्कॉर्पियो एन का इंटीरियर। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, एक लग्जरियस कार जैसा इसका इंटीरियर देखने में लग रहा है। और इस साइड आपको ब्लैक पियानो फिनिश में विंडोज़ के कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, ORBM कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। और ये ग्रे कलर में आपको डोर हैंडल देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी लग रहा है देखने में। और यहाँ पर वाटर होल्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एक स्पीकर देखने को मिल जाता है। और अब बात करते हैं सीट का, तो सीट का देखिए बिल्ड क्या क्वालिटी है, बहुत ही ज़्यादा प्योर लेदर में आपको सीट देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पे ड्यूल टोन में आपको सीट देखने को मिल जाता है, और आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट देखने को मिल जाता है। आप यहाँ से इसे देखिए अप डाउन, इसको अप डाउन यहाँ से कर सकते हैं। और अब गाड़ी में बैठ जाते हैं, मतलब सामने कैसा दिखता है हमारा, कम्फर्ट क्या है बैठने में, सीट का क्वालिटी क्या है, तो सारा कुछ बात करते हैं। तो पहले गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ, और मैं आ गया अंदर, और मैं ड्राइवर साइड सीट पे बैठ चुका हूँ। और देखिए फ्रंट से हमारा बोनट वगैरह सारा कुछ दिख रहा है, और बैठने में तो कंफर्ट का बात ही नहीं करना है, एक अलग ही फील हो रहा है, लग रहा है कि हम एक लग्जरियस कार में बैठे हुए हैं। काफ़ी लग रहा है कि मैं पहाड़ पे बैठा हूँ। देखिए कितना ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाइट है इस गाड़ी का, एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है बैठने में इस पर। बिल्कुल मैं अच्छे से फिक्स बैठ गया हूँ, और महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का तो बात ही नहीं करना, ये लग्जरियस कार है, देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और मतलब दिल जीत लिया है गाड़ी।
बस इतना ही बोलना चाहते हैं। और अब बात करते हैं स्टेयरिंग का। यहाँ पे आपको हल्का डी कट में स्टेयरिंग देखने को मिल जाता है, और ये महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाएगा। ड्यूल टोन में आपको स्टेयरिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पे क्रोम फिनिश आपको देखने को मिल जाएगा। मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाएगा। क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं और इस साइड वाइपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इधर RPM शो करता है, स्पीडोमीटर इधर है, और टाइम एवरेज सारा कुछ इसमें शो करता है। कौन सा डोर खुला है, सीट बेल्ट का वार्निंग देता है, फ्यूल यहाँ से आप फ्यूल देख सकते हैं कितना गाड़ी में फ्यूल है, वो सब सारा कुछ इसमें शो करता है। मतलब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाता है। कुछ ऐसा दिखता है हमारा डैशबोर्ड। देखिए काफ़ी बिल्ड क्वालिटी का, देख बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है ब्लैक कलर में। और यहाँ पे आपको सोनी का सब ऊपर देखने को मिल जाता है। और इस गाड़ी में आपको 6 स्पीकर देखने को मिल जाएगा और 6 एयरबैग देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे भी आपको स्कॉर्पियो एन का बैजिंग देखने को मिल जाता है, एसी के इवेंट्स देखने को मिल जाता है, और ये कॉफ़ी कलर में देखने को मिल जाता है विथ ड्यूल टोन के साथ, जो कि लुक को और ज़्यादा इन्हेंस बनाता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो कि कूल्ड ग्लव बॉक्स है, और अंदर लाइट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है, क्योंकि हाइट बहुत ही ज़्यादा है तो आप उसको पकड़ के आसानी से आप गाड़ी पे बैठ सकते हो। और यहाँ पे भी आपको एक ग्रैब हैंडल दिया गया है। यहाँ पे ट्विटर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे हमारा सनसेट देखने को मिल जाता है विथ मैग्नेटेड मिरर के साथ, और LED लाइट भी आपको देखने को मिल जाता है। और इस साइड आपको LED 2 लाइट देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं लाइट को। और यहाँ पे भी एक माइक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और हमारा सनग्लास होल्डर भी देखने को मिल जाता है। और ये मैनुअली डे नाइट IRBM देखने को मिल जाता है, जो कि टॉप मॉडल है, तो एटलीस्ट ऑटोमेटिक तो होना ही चाहिए था, तो ये मेरे को थोड़ा डिसेंट लगा। और इस साइड भी आपको सनसेट नॉर्मल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक ट्विटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कुछ ऐसा दिखता है हमारा सनरूफ, देखिए, क्योंकि इसके बिना तो गाड़ी अधूरे आज के डेट में, क्योंकि सनरूफ चाहिए ही चाहिए। और यहाँ से आप सनरूफ को, तो ऐसा कुछ हम यहाँ से सनरूफ को खोल सकते हैं, देखिए, और यहीं से हम इसको बंद भी कर सकते हैं। तो हमारा सनरूफ बंद हो गया। और अब बात करते हैं म्यूजिक सिस्टम का। और यहाँ पे अभी आपको बड़ा सा AC वेंट देखने को मिल जाएगा विथ क्रोम फिनिश के साथ। और ये म्यूजिक सिस्टम आपको फुली डिजिटल ही देखने को मिल जाता है। इसमें एंड्रॉयड, आईफोन, एलेक्सा सारा कुछ आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। और ये साउंड यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपना कॉल वगैरह ये सब सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारा ऑटोमेटिक AC देखने को मिल जाता है। और मैं आप सबको फ्रंट कैमरा का क्वालिटी दिखाता हूँ, तो देखिए मतलब अच्छा है, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और इधर ड्राइव मोड वगैरह सब सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है, और वायरलेस फ़ोन चार्जिंग भी आपको देखने को मिल जाता है। और ये हमारा ऑटोमेटिक है, तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा ऑटोमेटिक गियर। और 2 कप होल्डर आपको देखने को मिल जाएगा, और ये हमारा हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है, और प्योर लेदर फिनिश में काफ़ी चौड़ी आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप गाड़ी की वगैरह आराम से रख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार दिखता है हमारे इंटीरियर, जो कि बहुत ही ज़्यादा देखने में खूबसूरत एंड प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहा है, काफ़ी हेवी लग रहा है देखने में। तो यहाँ से आप स्कॉर्पियो एन का बोनट हुड को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, जैसे ही अपने तरफ खींचेंगे हमारा बोनट ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं इंजन का। कुछ ऐसा दिखता है हमारे स्कॉर्पियो एन का इंजन, देखिए बहुत ही ज़्यादा हेवी लग रहा है देखने में, बहुत ही ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का इंजन। अगर इंजन कैपेसिटी का बात करें तो 2184 4 सिलेंडर इनलाइन 4 वाल्व सिलेंडर DOSC इंजन देखने को मिल जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं डीजल इंजन देख रहे हैं, अगर मैक्स पावर की बात करें तो 172 BHP आपको मैक्स पावर देखने को मिल जाता है। अगर मैक्स टॉर्क की बात करें तो आपको 370 Nm मैक्स टॉर्क देखने को मिल जाता है BS6 के साथ। तो कुछ इस प्रकार था हमारे स्कॉर्पियो एन का फीचर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस का बात करें तो 21,45,000 आपको एक शोरूम प्राइस देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको टेस्ट ड्राइव भी अवेलेबल है, चाहो तो आप टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हो। अगर इस गाड़ी के बारे में कुछ भी पूछना है तो आपको स्क्रीन पर डीलरशिप का नंबर दिख रहा है, आप वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्हीकल रिव्यू में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।